एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स का जिक्र किया आपने, एक bshow.com का जिक्र किया आपने, थोड़ा सा इनके बारे में भी हमें ओवरव्यू दें ताकि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो इस कॉन्सेप्ट को समझ भी सकें और कोई अगर इससे हमारे लिए कोई आगे अपॉर्चुनिटी हो तो। मीशो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हाँ, मीशो का मैंने जब उनका आप अगर गूगल पे सोशल कॉमर्स टाइप करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इसके बारे में। तो मीशो एक सोशल कॉमर्स के ऊपर काम करने वाली कंपनी है और बहुत सारे अलग भी स्टार्टअप के ब्रांड हैं इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं। बेसिक फंडामेंटल ये है कि अब कोई लड़की है वो थोड़ी पढ़ी लिखी है, शादी होगी, ससुराल में चली गई, ससुराल वाले इसको काम नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन उसकी जो फ्रेंड्स हैं उनका ग्रुप बना हुआ है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, वो लोग इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। अब वो नॉर्मल क्या बातें करते हैं, देखो मैंने ये सूट खरीदा, ये मैंने दुपट्टा खरीदा, ये मैंने वहां से मेकअप का सामान किया, ये बड़ा अच्छा है, उनके बीच में बातें चलती हैं। सोशल कॉमर्स क्या करता है कि साइट बना दी, आप उनके मेंबर बन जाओ फ्री में और आप अपना ग्रुप बना लो 100 लोगों का, 50 लोगों का, जो आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे काम कर रहा है, बॉटम ऑफ द पिरामिड के ऊपर काम कर रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं और जो पीयर टू पीयर है कि जब अभी आज भी सामान खरीदते हैं तो हम अपने दोस्तों से पूछते हैं, रिश्तेदारों से पूछते हैं, फ्रेंड से पूछते हैं, हम ब्रांड एम्बेसडर को देख के नहीं खरीदते हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा है। अगर आप यूएस के ऊपर रिसर्च करेंगे सोशल कॉमर्स करके तो आपको इसके बारे में और डिटेल्स पता चलेंगे। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि अगर आप ऐसा कोई स्टार्टअप लॉन्च भी करना चाहें तो आप लॉन्च कर लीजिए पाकिस्तान में, आज नहीं तो कल मीशो या ऐसे जैसे कोई और इन्वेस्टर्स हैं वो आएंगे ही, आपको एक्वायर कर लेंगे, नहीं तो सिंपल सा फंडामेंटल बता दूं, कोई भी स्टार्टअप करना चाहता है ना, देखो इंडिया में क्या क्या स्टार्टअप टॉप पे आजकल चल रहे हैं उनको आप देख लो और उनकी कॉपी लॉन्च कर लो। ठीक, तो दो बातें होंगी, या तो लोकली आपको कोई फंडिंग कर देगा, या तो जब ये स्टार्टअप इंडिया वाले जब वहाँ एक्सपेंड करेंगे तो आप उनको आपको एक्वायर कर लेंगे वो। सही सही, बड़ा सिंपल सा काम है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। टेक्नोलॉजी वेस्ट से ईस्ट में फॉलो होती है, तो जो वेस्ट में आज चल रहा था, 4 साल पहले अमेजोन चला इंडिया में, फ्लिपकार्ट आ गया वहां पे, एयरबीएनबी चला इंडिया का, ओयो बन गया, इसी तरह वहां जो जो चल रहा है यहां आता जा रहा है। ये बड़ी अच्छी, तो आपको यही करना है, ज्यादा दूर नहीं जाना है। एक बड़ा अच्छा आइडिया आपने दिया, ये जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी है कि वो वहां के ट्रेंड्स को चेक करें और जो इमर्जिंग है उनको यहां लॉन्च करें, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर उनके लिए ज्यादा। और सर ये जो आपने बस एक बात बोलता हूँ, अपने आप में अपने दोस्तों के बीच में बैठ के वो जो कर रहे हैं एक दूसरे की चुगली करना, वही करते रहोगे तो फिर उसी में अटके रह जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपको अपने कुएं से बाहर निकलना है, कुएं के मेंढक नहीं लगाओ, आपको कहानी पता है ना कुएं के मेंढक वाली। बिल्कुल, कुएं में एक मेंढक होता है, बाहर के मेंढक आ जाता है, वो कहता है अरे कहाँ से आए, वो कहता है बाहर से आए दुनिया से, कहता कितनी बढ़िया तुम्हारी दुनिया, वो कहता बहुत बढ़िया है, तो कहता अच्छा, वो छलांग लगाता है एक कोने से दूसरे कोने मेंढक में अपने कुएं में, करा इतनी बड़ी है, करा नहीं इससे भी बड़ी है, वो और लंबी छलांग लगाता है, पर इससे भी बड़ी है, करा भाई बहुत बड़ी है इससे भी। तो कुएं के मेंढक को कुएं में लगता है कि यही है, इतना ही बड़ा होता होगा, इससे आगे कुछ भी नहीं है। हमारे ज्यादातर यूथ जो है कुएं के मेंढक बने हुए हैं, ऐसे ही बाहर निकाल के देखो दिमाग, आपको बहुत कुछ दिखेगा। बिल्कुल अच्छा सर, ये एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स वाला क्या आपका पैटर्न है, जो आपने एक पूरी कैंपेन लॉन्च की है, कैंप्स ओपन हो रहे हैं इंडिया के अंदर, वो क्या चीज है? पॉलिटिकल लेवल पे क्या हो रहा है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने आकर काफी सारे अच्छे काम किए हैं और सबसे बड़ा काम जो उन्होंने यूथ के लिए किया है वो ये किया है कि कॉलेजेस को उन्होंने एनकरेज किया है, इनफैक्ट मैं बोलूंगा पुश किया है टू स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स। एंटरप्रेन्योरशिप सेल क्या है, उन्होंने कहा कि देखो कॉलेज के दौरान बच्चे जो हैं वो पढ़ाई तो कर ही रहे हैं लेकिन उनको एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी काम करना चाहिए, तो कॉलेज के अंदर एक उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप सेल बनवाई है जो कि स्टूडेंट ही बनाते हैं, उसके मेंबर स्टूडेंट्स ही होते हैं, फैकल्टी के एक दो मेंबर उनके ऊपर सुपरवाइज करते हैं। इनका काम ये है कि इंडस्ट्री के लोगों को बुलाना है, कोई स्पीकिंग इवेंट करवा दिया, कोई इंटर्नशिप इवेंट करवा दिया, इंडस्ट्री के लोग आते हैं, स्टार्टअप्स के लोग आते हैं,
और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि किस तरह से आपको स्टार्टअप बनाना है और कैसे कैसे आप बना सकते हैं। दूसरा काम ये होता है कि जो बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं तो वो स्टार्टअप्स के साथ इंटर्नशिप अगर करना चाहते हैं तो स्टार्टअप्स आते हैं और वो बताते हैं कि हमारे इतने स्टार्टअप्स हैं, आप आ जाओ हमारे साथ काम कर लो। तो वो जो 3-4 साल का आपका दो दो चार चार महीने की इंटर्नशिप इन स्टार्टअप्स के साथ करते रहे तो जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो आपका ऑलरेडी एक नेटवर्क बना हुआ होता है, आप ऑलरेडी 25-30-50 स्टार्टअप्स के फाउंडर्स को जानते हैं। आप जॉब भी अगर करना चाहेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी आसानी से क्योंकि उन्होंने देखा है आपको कि हाँ काम तो करते हो, अच्छा आता है तुमको। और अगर आप जॉब में नहीं जाना चाहोगे, अपना कुछ करना चाहोगे, तो ये जो एक्सपीरियंस आपको मिला है ये आपके काफी काम आता है। तीसरा इसमें काम ये भी हो जाता है कि गवर्नमेंट ने कुछ फंडिंग का भी प्रोविजन कर रखा है एक इवेंट